संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरें हमारे। समय सार परमागम की 168वीं गाथा, जिसकी उत्थान का में लिखा गया है कि 167वीं गाथा में यह कहा है कि मुए राग देश भाव ही आश्रव हैं, और 166वीं गाथा में यह कहा है कि ज्ञानी के इन आश्रव भावों का अभाव है। अब 168वीं गाथा में यह बता रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि भावों से अनुसृत भाव ही उत्पन्न होता है और इसी कारण उसे बंध नहीं होता। ज्ञानी के रागादि से अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है, संस्कृत में भी है, अथ रागादि असंकीर्ण भाव संभवम दर्शयति। ज्ञानी के रागादि से असंकीर्ण भाव ही पैदा होता है। अब ज्ञानी माने यहाँ सम्यक दृष्टि, एक अर्थ तो ये है, दूसरा अर्थ केवल ज्ञान भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य नहीं है। तो कहते हैं कि केवल ज्ञान के तो राग आदि होते ही नहीं, इसलिए वहाँ तो कुछ समझाने की विशेष बात नहीं है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के राग आदि से असंकीर्ण मान बिना मिला हुआ ही भाव होता है। अब उस वक्त अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये सारे राग देश ये सब मौजूद रहते हैं, और द्रव्य कर्मों की अपेक्षा देखें तो उपसम सम्यक दृष्टियों, छह उपसम सम्यक दृष्टियों के सत्ता में मिथ्यात्व तो पड़ा हुआ भी रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में वो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि भाव से असंकीर्ण भाव ही पैदा होता है, माने वो ज्ञान भाव है, उसमें रागादि मिश्रित नहीं है। और इसका एक ही कारण या उपाय है कि जो वो अनंतानुअन बंदी आदि राग हैं और सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म है, उन सब को यहाँ आश्रव भाव रागादि भाव माना ही नहीं है। और अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व भाव, इसको ही यहाँ रागादि भाव कहते हैं। इसके बिना कोई अपेक्षा यहाँ घटित नहीं हो सकती। पूरा निष्कर्ष मैंने आपको दो पंक्तियों में बता दिया इस गाथा का, और बाकी अब जो कुछ अपन पढ़ेंगे वो सब इसी बात की पुष्टि में कहा जाएगा। गाथा पढ़ो। पक्के फलम मि पड़िए जहन फलम बज्जये पुणो बिंटे न भावे। पक्के फल जिस तरह गिर कर उदाहरण दिया है कि पेड़ पर कोई फल पक जाए और वो अपने आप गिरे, तो फिर वो फल को पेड़ गिर गया है तो जहाँ से गिरा है वहीं हम जोड़ दें, ये संभव नहीं है। मतलब वो गया तो गया। ऐसे ही कर्म उदय में आता है और उसका जो फल में रागादि भाव हुए, यहाँ पर वो मिथ्यात्व तो कर्म और अनंतानुबंधी कर्म की बात है, और भी रागादि लेना हो तो ले लेना, लेकिन वो संयोग वाले कर्म की बात नहीं है। उस पर भी घटित करो तो कर लेना, लेकिन यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं एक बार
कर्म के उदय में जो क्रोध आदि हो गए और वो कर्म का उदय खिर गया, खत्म हो गया बस, तो वो क्रोध फिर खड़ा नहीं रह सकता अगले समय में। जब अगले समय में द्वारा कोई कर्म का उदय होगा तो ही वो खड़ा रह सकता है। अब वो कर्म, वो जो राग भाव द्वारा वैसा राग भाव हो ही नहीं सकता, माने वो उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब द्रव्य कर्म की बात भी ले लो, तो द्रव्य कर्म उदय में आकर जो खिर गए तो वे कर्म फिर द्वारा तुम्हें वहीं के वहीं चेट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप कहें इस बात को कहने का क्या कहना चाहते हैं? जब मैं करीब 4-5 साल का 6 साल का रहा होऊंगा तो गांव में बच्चों के हाथ पैरों में बहुत मैल लग जाता था, तो उनको गीला करके और कैसे पत्थर से होता था, कुछ ऐसी चीज़ होती थी उससे रगड़ रगड़ कर उस मैल को छुटाते थे। अभी तुम्हारे यहाँ होता होगा कहीं क्या? अब आजकल तो सावन वावन हो गई, ये हो गई, पहले पत्थर से पैरों के खासकर जो जम जाता था उसको छुटाते थे। क्यों था भाई, तुम्हारा भी छुटाया तो होगा ना भाई। तो वो उन हाथों का पैरों का धूप में बैठा करके सर्दियों के दिनों में वो घुसते रहते थे। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि ये छूट गया है तो इसे तुम जल्दी पानी डाल के धो दो, क्यों कि अभी ये सूखेगा तो फिर वही का वही चेट जाएगा क्या? तो वो बोली कि नहीं, अब ये एक दफे उखड़ गया ना, अब ये मैल कभी नहीं चेटेगा, तुम इस पे पानी नहीं भी डालो, ऐसे ही लगे रहने तो अपने आप झड़ जाएगा। क्यों? अब तो लगेगा तो दूसरा मैल लगेगा, एक दफे वो उखड़ जाए फिर बस उसकी कोई कीमत नहीं है, फिर उसे हटाओ नहीं हटाओ अपने आप हट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे वो मैल एक दफे छूट जाने के बाद द्वारा नहीं चेट सकता, ऐसे ही कर्म का मैल भी एक दफे उदय में आने के बाद में वहीं का वहीं द्वारा वो नहीं चेट सकता, वो तो कर्मण वर्ण रूप बन जाता है ना, और भाव भी खत्म। इसलिए आपको वही पुराना जो कर्म उदय में आया है वो हमको कुछ ज़्यादा नुकसान कर देगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना चाहते हैं वो। चाहे वो संयोग रूप भाव है, संयोगों का तो पहले ही बता दिया, क्यों भविष्य के बंध का कारण बनता ही नहीं, और बाकी जो 3 कर्मों के उदय में जो विकार भी होता है भावों में वो भी बंध का कारण नहीं बनता। मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला जो विकार है वो ही बंध का कारण बनता है। तो मिथ्या तो अनंतानबंदी रहा नहीं है, और बाकी जो रहा है वो पिछली गाथाओं में कहे आए हैं, जो चारित्र मोह संबंधी है और उसके उदय से जो जो कर्म की प्रकृतियाँ बनती हैं वे बनेंगी, ये मैं समझना कि वे नहीं बनेंगी, लेकिन उनको यहाँ हम बंध कहते ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई कीमत ही नहीं है, वे बंधी और नहीं बंधी एक सी ही हैं, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण नहीं बनती। अब टीका पढ़ते हैं अपन, देखो। जिस प्रकार पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार रागादि से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है, माने जो वो उसको ज्ञानमय भाव वहाँ उत्पन्न हुआ तो वो उसमें राग आदि मिश्रित नहीं है, सम्यक दृष्टियों के और अमिथ्या दृष्टियों के ही, माने अनंतानबंदी संबंधी राग और मिथ्यात्व ये ही वो ज्ञान के साथ मिश्रित होते हैं, यदि ये नहीं होए तो वो ज्ञान के साथ मिश्रित नहीं होते। जीव के कर्म भाव से झड़ जाने पर फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। गाथा के इस कथन को आत्मख्याति काल ने का यह अर्थ किया है कि कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला जीव भाव से एक बार अलग हो जाने पर फिर
फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, इसलिए रागादि से ना मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। ये क्या कह रहे हैं कि देखो हमें अभी गुस्सा आया ना, तो उस गुस्से को तुम एक घंटे तक कायम रख लो, तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, पर एक दफ़े वो ठंडा पड़ जाए और फिर तुम दोबारा वैसा ही गुस्सा कर लो, ये संभव नहीं है। बस वो तो गया, बस गया, वो ख़त्म हो गया, अनंत काल तक के लिए ख़त्म हो गया। जयचंद जी छाबड़ा ने इसमें जरा ये निकालो, ये पेज नंबर 26 बहुत काफ़ी अच्छा स्पष्ट किया है, क्योंकि स्पष्ट तो है ही वैसे, पहले मैंने बता दिया दो पंक्तियों का अर्थ करते वक्त, इसलिए अमृतचंद ने भी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, गाथा में भी साफ है, फिर भी जयचंद जी छाबड़ा इसको जरा स्पष्ट करते हैं। यदि ज्ञान एक बार अब अप्रतिपाती भाव से, एक कोष्टक लगाया है सोनगढ़ वालों ने, कहने का मतलब ये है कि वो जो अपने बार उदय बार बार में उदय आ जाता है ना, उसको नहीं पकड़ना। अप्रतिपाती भाव माने द्वारा फिर वो ना उत्पन्न हो, ऐसा अप्रतिपाती भाव। तो एक तो छायक संबंध असल में ऐसा होता है, केवल ज्ञानी बेघटित करो तो वहाँ तो खत्म ही हो गया मिथ्या दर्शन। और एक अब मान लो क्षय समाधिक भी हैं, तो एक व्याख्यान पढ़ रहे थे, एक बार अप्रतिपाती भाव से रागादि से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादि भाव के साथ मिश्रित नहीं होता। माने एक दफ़े सम्मान दर्शन हो गया, और जब तक सम्मान दर्शन कायम है उसी का नाम समझ लो अप्रतिपाती भाव है। जब तक सम्मान दर्शन नहीं छूटेगा तब तक वो राग और ज्ञान आपस में मिश्रित नहीं होंगे। इस प्रकार उत्पन्न हुआ और रागादि के साथ ना मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है। वो ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है और रागादि से मिला हुआ नहीं, वहाँ रागादि हैं अप्रत्यक्षानावरण के, तो उन देख करके तुम भ्रम पैदा मत हो जा करना। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि से युक्त होता है। देखो ये बात वहाँ नहीं लिखी, वहाँ उतना ही कह के छोड़ दिया ना, तो हमें बहुत अटपटा लगता है, इतना राग तो है ढेर सारा। जैसे कल बताया था उदाहरण में कि चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियों का राज है, 6 खंड की विभूति का राज है, और वो इतना जोरदार है कि भाई पे भी चक्र चला दें, और आप कहते राग नहीं है, राग नहीं है, इसलिए उनने खोला। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि से युक्त होता है, वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। अब निश्चय न कहते उससे हम निश्चय न से उसे हम युक्त मानते ही नहीं हैं, और उसके उससे जो अल्प बंद होता है वह भी निश्चय की दृष्टि में बंद है ही नहीं, क्योंकि अवध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर बढ़ता ही रहता है, तथा उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को खोल दिया कि वो ढेर सारा जो तुम्हें राग दिखाई देगा उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं है। शायद मैंने शिविर में अभी एक बात बताई थी ना कि ऐसा कथन अकेला अध्यात्म में ही नहीं है, करुणान योग में भी है। जो गोमर सार की गाथाएं सुनाई थी याद है, मिच्छे खलुओ दैयो विदिये पुन पारणामियो भावो मिश्रे छयो विषमियो अवेर दिसमयी मितिन्ने वे, के मिथ्यात्व गुणस्थान में औदेक भाव होता है और सासाधन गुणस्थान में पारणामिक भाव होता है, और मिश्र गुणस्थान में मिश्र भाव होता है, मिश्र खलु है ना, क्षयोपशमी क्षयोपशम भाव होता है, और
अवरध समय तन्नेवय, और अवरध समय दृष्टि के तीनों भाव होते हैं, उदय भाव भी होता है। अभी उन्होंने कहा तीनों, अब लिखा आगे तत्तो उभिरम। अब इसके ऊपर जो हम बात करेंगे वो चारित्र मोह की अपेक्षा करेंगे। अभी तक ए दे सब्बे भावा दंशन मोहम पटुच्च भणी दाहू, ये सारे भाव दर्शन मोह की अपेक्षा कहे गए। इसके ऊपर की जो चर्चा होगी वो चारित्र मोह की होगी, तो वहाँ भी यही बात हो गई ना। अब यहाँ लगा लो यही बात कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो दर्शन मोह की अपेक्षा कर रहे हैं। अगर ऊपर के गुणस्थानों की बात करेंगे और वहाँ के रागादि की बात करेंगे वो चारित्र मोह के उदय में होने वाले रागादि की बात करेंगे। सर इतनी सी बात है वो हमारे ख्याल में आ जाए तो ये प्रकरण बिल्कुल क्लियर है, और ये नहीं आए तो लड़ते रहो झगड़ते रहो, ढेर सारा तो राग है ये राग नहीं, ढेर सारा राग तो है ये राग नहीं, बस कहते रहो। तो तुम उस अपेक्षा को स्वीकार नहीं करो है? तो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। देखो अपने यहाँ इस शादी विवाह में एक पद्धति नक्की है ना कि भाई अपना खुद का गोत्र और मामा का गोत्र बचाना, खंडेर वालों में ऐसा है ना। हमारे परिवारों में मामा का मूर बचाया जाता है, आपके यहाँ तो मूर होता ही नहीं, गोत्र ही गोत्र होते हैं है ना, तो दो गोत्र बचाना। अभी कितने भी दूर का कोई आदमी हो लेकिन यदि वो छाबड़ा है तो शादी नहीं हो सकेगी उनके यहाँ, क्यों? और वो छाबड़ा का सग्गा भाई है, क्यों? और उसकी लड़की की उससे संबंध हो जाता है कि वो तो एकदम ही बतो उस भाई की लड़की की तो शादी हम अपने यहाँ हुई है, होती कि नहीं होती? ऐसे कई अपने केस देखेंगे, युगल जी साहब के यहाँ है, झांझरी की लड़की भी है, झांझरी के लड़के लड़का भी है कि नहीं है? क्यों है? क्यों वो कैसे हो गया वहाँ? वो कहते भैया गोत्र नहीं मिले दोनों का, न इसमें मिले ना उसमें मिले। यही बात है ना, गोत्र नहीं मिले तो हो गई, समझ में आया ना? तो वो एक नियम है। अब आप कहेंगे ये तो अन्याय है कि ये तो रहता है यहाँ का, कहाँ जयपुर का, वो जबलपुर का, इतनी दूर का है, उससे तो संबंध होगा नहीं, वो तो भाई बंद हो गया छावड़ा होने से, क्यों? और बिल्कुल ही नज़दीक का रिश्ता है, एक भाई की लड़की दी है, क्यों? और वही दूसरे भाई की लड़की को ले लेता है, क्यों? क्यों उसके गोत्र बच गए। जिसको लड़की दी है ना तो छावड़ा एक गोत्र तो बचा रही है, और मामा का गोत्र इसलिए बच गया क्योंकि उसकी शादी दूसरी जगह हुई ना, उसका मामा दूसरा है। तो एक ऐसा नियम चलता है तुम्हारे यहाँ, ये नज़दीक दूरी ऐसे देखने से नहीं चलेगी, वो नियम से चलेगी। ऐसे यहाँ नियम है कि यहाँ तक चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोह की अपेक्षा बात करना, और चौथे गुणस्थान से ऊपर जो गुणस्थानों की बात है वो सब चारित्र मोह की अपेक्षा है, क्योंकि गोमर सार में जो गुणस्थान की परिभाषा क्या दी है, मोह जोग भवा, जो मोह और योग के निमित्त से हों उसे गुणस्थान कहते हैं, यानी गुणस्थान मोह और योग से निमित्त से होते हैं। तो 12 गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं और 2 गुणस्थान योग के निमित्त से होते हैं, तो 12 में 4 गुणस्थान दर्शन मोह के निमित्त से होते हैं, बाकी के 8 गुणस्थान चारित्र मोह के निमित्त से होते हैं। तो सीधा सच्चा बंटवारा है, तो इस नियम से काम चलाओ तो सब हो जाएगा। क्योंकि जैतन जी छावड़ा ये नियम जानते थे, उन्हें पक्का भरोसा था कि सामने वाला कोई नहीं जानता होगा, इसलिए उन्हें शक होगा, इसलिए उन्होंने उस नियम के अनुसार ये बात यहाँ पर लिख दी, बता दी। यदि एक बार रागादि से भिन्न परिणमित हो तो पुनः कभी भी रागादि भाव से मिश्रित नहीं होता, इस प्रकार उत्पन्न हुआ रागादि के साथ ना मिला हुआ ज्ञान भाव मय भाव सदा रहता है। भावार्थ के उक्त कथन से यह बात स्पष्ट है कि यह बात अप्रतिपाती भाव की बात है, माने सायक सम्यक्त की बात है।
इसके लिए मैंने पंडित जयचंद जी छाबड़ा की ढूंढाड़ी भाषा में लिखी हुई टीका मूलता देखी तो उसमें इस संदर्भ में अत्यंत स्पष्टों में इस प्रकार उल्लेख है। क्या हुआ, ये शंका क्या हुई कि क्षयोपशम के बारे में क्या कहें, क्योंकि वहाँ तो अप्रतिवादी भाव नहीं है और उपशम सम्मा दर्शन तो गारंटी से छूट जाता है अंतर्मूर्त में है? तो वो मैंने कहा मूल में देखो, क्योंकि अनुवाद होते 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 कई जगह बहुत परिवर्तन हो जाता है और हमारे धन कुमार जी इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं। तो वहाँ लिखा था, ऐसे जब जीव का मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्य में सू क्षय हो जाए तब फिर उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फेरी कर्म का करता नहीं। अब ये देखो उसमें नहीं है, ऊपर वाले में क्या क्या नहीं है कि अनंतन मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्य में सू क्षय हो जाए, ये मैं खासकर विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि स्टडी ऐसे करना चाहिए। सगे बाप पर भी विश्वास नहीं करना, ये शर्त इसे बोलते रिसर्च की ये सबसे पहली शर्त है। व्यापार की भी, जब व्यापारी अपने बेटे को व्यापार सिखाता है और जब वो अपने बेटे को देता है कि 10,000 रुपये ले ले नोट देता है और वो अपने ऐसे चुपचाप रख लेता है तो कहता नहीं बस खत्म, तू व्यापारी का बेटा नहीं है। क्यों गिन कि क्या बात करते हो, आप दे रहे हो मुझे, आप पे भरोसा नहीं है क्या? क्या नहीं नहीं कोई व्यापारी में किसी पे भरोसा नहीं, मैंने बोला ना बाप पे भी भरोसा, मुझ पे तो भरोसा है कि मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि पे तो नहीं है, गिनती में तो मैं भूल सकता हूँ। गिन के लेना और गिन के देना वो पहले दिन का पाठ है। चोर अपने बेटे को चोरी सिखाता है तो सबसे पहले दिन का पाठ क्या पढ़ाता है कि पकड़ा जाए तो जान कितनी पिटाई हो लेकिन कबूल नहीं करना, सजा कबूल करने पर होती है, चोरी करने पर नहीं होती। चोरी करने की सजा किसी कानून में नहीं है, और कबूल कर लो तो किसी कानून से फिर तुम बच नहीं सकते, कोई वकील का बाप बचा नहीं सकता है। तो ऐसी ये बात है रिसर्च में कि तुम बिल्कुल अंतिम तह तक जाओ क्या, एक एक किसी पर शक नहीं है, समझे ना, सबने बढ़िया किया है। देखो इसीलिए अपने रिसर्च में पद्धति होती है कि हम किसी का कोटेशन दें तो वहाँ नंबर डालें फिर नीचे पेज नंबर लिखें। अब बातें तो बहुत हैं, अपन तो इतना ही कर पाते हैं कि वो कौन सा एडिशन है, कहाँ से छपा है, वो सब उसकी अंत में उनकी सूची लगाएं कि ये किताब फलानी जगह से छपी है वहाँ मिली है उसका ये पेज नंबर हमने दिया है क्या, क्योंकि वो यदि देखना चाहे सामने वाला तो वो क्या करे, तो ये किताब कहाँ मिलेगी ये भी आपको बताना जरूरी है। अब इस संकट से बचने के लिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना है, ये आपको वैसे पता नहीं चलेगा कि अपन को पेज नंबर देना ही नहीं, अपन को गाथा नंबर देना और लिख देना उसकी टीका में। अब कितनी प्रतियां 10 जगह से छपी हों, पहले तो हस्तलिपि लिखित प्रति होती थी ना, तो हर लेखक अलग अलग है, हर एक का पेज बदल जाता था। तो जो हमने लिख दिया गाथा नंबर 73 की टीका में ये बात लिखी है, तो किसी भी कृति को पढ़ना तुम गाथा 73 की टीका देखोगे, अब कितनी 5-6 लाइनें होंगी, कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो मिल ही जाएगी। और पंक्ति कैसे दे सकते हैं, नहीं तो लिखना पड़ता है इस पर इतनी पंक्ति पे, पंक्ति तक लिखनी पड़ती है। यानी हमने जहाँ किसी का कोटेशन दिया है तो उसकी पूरी डिटेल वहाँ होनी चाहिए और जिस प्रति में आपने बताई है उसमें मिलनी चाहिए। यदि वो नहीं मिलती है तो आपकी वो रिसर्च अधूरी मानी जाएगी। इस संदर्भ में
एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, पंडित टोडरमल जी के प्रभाव को मैं बताना चाहता हूँ। शायद कल परसों दादा ने कुछ बोला था किसी क्लास में कि इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई, पांचवें छठवें अध्याय की वजह से। पंडित टोडरमल जी ने पांचवें छठवें अध्याय में, खासकर सातवें में भी बहुत से अजैन ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं और जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बहुत दिए। तो जब मैंने रिसर्च की तो उसी सिद्धांत के हिसाब से कि इनकी अपन को खोज करनी चाहिए, वे ग्रंथ देखना चाहिए कि टोडरमल जी ने कहाँ से लिखा। अब उन्होंने लिख दिया हनुमान नाटक में लिखा है, ऐसा लिख दिया। अब हनुमान नाटक कहाँ से प्रकाशित हुआ, कहाँ उपलब्ध होगा, कैसा होगा, उसका पेज नंबर क्या है, अब तो पूरा हनुमान नाटक कहीं से खोजो और पूरा अद्योपांत पढ़ो और निकालो। अब उनके पास वो सब चीज़ें शायद उपलब्ध रही होंगी और ना भी रही हों, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली थे ना। एक दफ़े पढ़ी उनने और फिर वो चली गई दूसरी जगह किताब, तो उन्हें याद रहती थी, तो वे स्मृति के आधार पर लिखे। तो छंदों में भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि स्मृति के आधार पर तो छंद ऐसे तरह से बदलते रहते हैं ना। जब हम लोग भूल जाते हैं ना तो अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के उस छंद को बना लेते हैं और बोलते रहते हैं। बहुत से छंद ऐसे मैं बताऊंगा नीति शतक के, इसके उसके, कि धीरे धीरे वो बदल जाते हैं। तो मैंने रिसर्च की, तो अब उनके लिए क्या चाहिए था कि यहाँ के जो शास्त्र भंडार हैं और उनमें जो ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में देखा जाए। तो उन ग्रंथों को मैंने देखने की कोशिश की, तो वो हर शास्त्र भंडार के पास में गया तो वो मुझे मिले नहीं। उनमें जहाँ वो से लिखा है ना उसमें खूब माथा मारो और वहाँ वो पंक्ति मिलती नहीं। बहुत संशय खड़ा हो गया। तो उस वक्त ये जो अपना घी वालों का रास्ता और हल्दियों का रास्ता है और जिसमें ये अपना बड़ा मंदिर है उसके आगे वाले का रास्ता, उस आगे वाले के रास्ते में वहाँ चंदालाल जी टोंगिया रहते थे। आप लोग कोई जानते होंगे, कोई पुराने आप जानते ना थे बसंत कुमार जी। उस चंदालाल जी टोंगिया के बगल में एक भाई रहते थे सांवले सांवले से, तो उनने ये काम बहुत किया था। हम खोजते खोजते उनके पास पहुँचे और उनसे हमने कहा कि भाई हमको अब ये शास्त्र चाहिए और हमें भी मिलान करने को देखना है। तो उन्होंने हमको ये बताया कि इन सब लोगों ने बाद में बदल दिए। वो जो टोडरमल जी ने जिन शास्त्रों को पढ़कर इसमें उद्धरण दिए थे, उन शास्त्रों में से उन अजैन विद्वानों ने वो निकाल दिए, वो पेज दूसरा लगा करके लगा दिया और अगली जो प्रति हुई उसमें नहीं दिया। ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब कितनी बुरी तरह प्रभावित थे वे लोग कि जो वे लिखते हैं कि हनुमान नाटक में लिखा है कि जे ऐसा ऐसा टोडरमल जैन धर्म प्राचीन है, तो उन्होंने उसमें से वो छंद ही निकाल दिया। ना हम रामो नामे बांछा रागी देशु माँ मे मना, वहां से गायब है। आखिर छोड़ना पड़ा, हत्या डालना पड़ा। अपन ने वहीं से काम चलाया, कोई उन्होंने लिखा और जो उसमें लिखा था। टोडरमल जी ने थोड़ी ऐसे लिखे जो नीचे वो टिप्पणियाँ लिखी हैं ना, ये तो सुनने वालों ने, हम लोगों ने मेहनत कर करके जहाँ जहाँ उपलब्ध हुई वहाँ से वो लिख दी हैं। वो भी कोई साधारण काम नहीं है। आजकल कोई लोग संपादन का अर्थ नहीं समझते हैं, छपाने का अर्थ नहीं समझते हैं, संपादक में अपना नाम लिखवा लेते हैं और प्रूफ रीडिंग तक नहीं करते हैं। यदि प्रूफ रीडिंग कर भी लें तो वे प्रूफ रीडर हैं वास्तव में, संपादक कहाँ है। संपादन किसे कहते हैं वो तो जानते ही नहीं। सबके नाम संपादकों में लिखे हुए हैं। अभी छाबड़ा जी से कहो तो अभ्याल कर तुम्हारा नाम लिख दे संपादक में, हाँ लिख दो सब लिखाने को तैयार है क्या लेकिन संपादक किसे कहते हैं? अखबार आते हैं ना सब, मंगलायतन आता, मंगलायतन का अखबार आता है ना, उसमें सब कितने संपादकों के नाम लिखे हैं। और वे लोग, वो मंगलायतन आता है उसके बाद भी उनने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसका ठिकाना नहीं है, आप समझे ना।
उसके बाद भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है, हमारा तो आद्यो पांत पढ़ें तो ही हम नाम लिखने दें, नहीं तो नहीं लिखने दें। इसलिए बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, क्या इसे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि साहब हम क्या कर रहे थे, हम तो इन्हें सम्मान दे रहे थे कि इनका नाम लिख दें और जिस दिन इनको मुफ्त में ही वो हो रहा है, शायद बड़े दादा का भी नाम लिखा। समन्वय वाणी में लिखे रहते हैं बहुतों के नाम, उनको पता ही नहीं है कि उसमें क्या छपा है क्या नहीं छपा है, क्या करें। मैंने तो पहले दिन से ऐसा निभाया है, जब मैंने आत्म धर्म मेरे पास आया और दूसरा अंक आया तो बहन श्री की 64वीं जन्म जयंती थी, तो वहाँ से 64 फोटो बहन श्री के और उनके बोल और बहुत महिमावंत जैसी बातें पूरा भव प्रभव की और उसमें लिख करके पोथन्ना आ गया और उसमें लिखा था कि इसको हूबहू बिना कुछ मीन में किए छाप दो। मैंने नहीं छापा, कुछ नहीं छापा। फिर जब मैं गया सुनने गुरुदेव के सामने सब बात आई कि सब ऐसा ऐसा हुआ, इन्हें भेज दिया, यदि आपने मेरे को दिया है तो साल भर तक मेरे को कोई टोकेगा नहीं, साल भर बाद आपको मेरे पास रखना हो तो रखना, नहीं रखना हो तो मत रखना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे साल भर शांति से करने देना। बोले ठीक है, आप बाकी क्या सबका गुरुदेव ने तो कह दिया नहीं कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, लेकिन वो ग्रुप था ना वहाँ, उसने कहा ठीक है लेकिन हम जो भेजें उसमें कुछ मीन मेक किए बिना, आप काट पीट किए बिना आप छाप दिया करें। मैंने कहा देखो एक बात आप याद रखो, उसमें शशि भाई वगैरह सब थे, बिल्कुल सही होगा आपका तो भी मैं दो लाइनें काटूंगा और दो लाइनें जोड़ूंगा, बोलो आपको भेजना है क्या? क्यों कहा? फिर क्यों काटेंगे? क्योंकि मुझे बताना है कि संपादक के अधिकार क्या होते हैं, आपको इस बात की ट्रेनिंग देनी है मुझे, क्या आप ये लिखना भूल जाइए अब। धन कुमार जी बोलो करवाना है, बिल्कुल सही होगा। तो जिसको ये भ्रम है कि मेरा हूबहू छाप देना, तो उसको समझ लेवे कि मैं दो लाइनें काटूंगा और दो लाइनें जोड़ूंगा, बोलो अब सही है कि नहीं, समझता नहीं क्या है, चलता है सब। गुजरात में तो मालूम संपादक कौन होता है, वो सेठिया जिसको कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है उसके नाम संपादक में लिखे रहते, वो देखता ही नहीं है और देखने वाले दूसरे ही हैं। देखो अभी देख लो किन किन के नाम छपे हैं, कोई देखते हैं कभी? अब ये अर्थ नहीं समझते कि संपादक का क्या अर्थ होता है। तो ये मैंने देखो इसमें लिखा, फिर वो बात दिखी ना, देखो क्या लिखा, पेज नंबर पर पढ़ रहे हैं ना 26 पे। ऐसे जब जीव का मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्य में सूक्ष हो जाए, तब फेर उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फेरी कर्म का करता नहीं। उक्त कथन में यह बात एकदम साफ हो गई है कि जिस प्रकार वृक्ष के फल से एक बार गिर जाने पर वह द्वारा वृक्ष से नहीं बनता, उसी प्रकार मिथ्यात्व भाव से के एक बार जल मूल से नष्ट हो जाने पर उसका उत्पाद द्वारा नहीं होता, इस प्रकार अप्रतिपाती ज्ञान भाव उदय को प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा था ये छायक सम्मय दर्शन लेना है मुख्य रूप से, और केवल ज्ञान में तो अप्रतिपाती बात है ही नहीं। देखो जो मुख्य बात बतानी थी वो तो हो गई, तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व भाव के एक बार जलमूल से नष्ट हो जाने पर उसका उत्पाद द्वारा नहीं होता, इस प्रकार अप्रतिपाती ज्ञान भाव उदय को प्राप्त होता है। इसके बाद में एक कलश दिया है, तो अब कलश को पढ़ते हैं। भावो राग बोलो, पढ़ो बोलो, कोई पढ़ो अच्छा गला वाला, एक पढ़ो सब मत पढ़ो, जो अच्छा गला वाला हो पढ़ सकता हूँ इस छंद को, शालिनी को, है ना।
कोई नहीं है। इस शालिनी छंद को ढंग से यहां आकर स्पीकर पर पढ़ सके। सब शास्त्री हो गए। भावु राग द्वेष मोह विनायो जीवस्य स्यात् ज्ञान निर्वृत्तैव रुद्धं सर्वान् द्रव्य कर्मासयोगान् एषु भावा सर्वभावाश्रयाणाम्। अब तो पढ़ो, पढ़ सकते ना इस तरीके से। क्या शास्त्री फाइनल के सब गायब है क्या? इंद्रिय कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो राग द्वेष मोह बिना ज्ञान निर्वृत्त एव जीवस्य यो भावः। राग मोह द्वेष से रहित अकेले ज्ञान से बने हुए जो जीव के भाव हैं वो सर्वान् द्रव्य कर्मासुरभुघान् रुन्धन्। वे सभी द्रव्य कर्मों के आसव को रोकते हुए, सभी माने वही मिथ्यात्रोदय में जो जो बनते हैं वे, है ना, एसो अभावा सर्व भावा सर्वानाम, और इसी का नाम सब भावा सर्वों का अभाव है। हवा सर्वासनाम अभावा माने क्या, कि जो मिथ्यात्व के उदय से मोह राग होता है वो उसको छोड़कर बाकी का नहीं, इनका नाम ही वो ज्ञानी के भाव नहीं होते हैं, इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। अभी ये बात रही गई द्रव्य, मैंने कहा था ना उपसंभाव और क्षेत्रसंभाव की बात, ये बात तो इसकी हो गई। काहे की वो जब मिथ्यात्व का अभाव सर्वथा हो गया, अनंतानंदी का अभाव भी उसके साथ सर्वथा हो गया। अब जो उपसम सम्य दृष्टि हैं और क्षेत्रोपम सम्य दृष्टि जीव हैं, उनके सत्ता में जो पड़ा हुआ कर्म है, छायक समदृष्टि के तो है ही नहीं, उसकी क्या पोजीशन है? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था ना गाथा में कि जिस तरह पका फल गिर के द्वारा पेड़ से नहीं लगता, तो अब ये वो बता रहे हैं कि उस सत्ता में पड़ा हुआ कर्म उसका क्या करें। वो तो आएगा उदय में तो गड़बड़ करेगा, तो उन्होंने कहा देखो अब आएगा जब देखी जाएगी, अभी तो कुछ नहीं कर सकता वो। तो गाथा है कि पुडवी पिंड समाना उब निबद्धा जो पच्चया तस् कम शरीर नदुते बद्धा तूते दूते बद्धा तूते बद्धा सब भी बद्धा तब्बे वीणान से। कहते वो अंदर में ज्ञानी के जो पड़े हुए हैं कौन, उपसम संबंधित और क्षेत्रोपम संबंधित वाले के, वो पृथ्वी के ढेले के समान है। जैसे रास्ते में पृथ्वी का ढेला पड़ा है ना, पत्थर पुडवी पिंड समाना, अगर पत्थर मिट्टी का ढेला समझो, पत्थर में थोड़ी ताकत होती है, पृथ्वी के मिट्टी के ढेले के समान है। कहते मिट्टी के ढेले की ऐसी कोई कीमत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पृथ्वी के ढेले के समान है, जब तक उसका उदय काल नहीं आएगा तब तक वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान करने वाला नहीं है, है ना। जो बंधे थे भूत में विकर्म पृथ्वी पिंड सम वे सभी कर्म शरीर से हैं बाध्य सम्य ज्ञानी के। कहते जीव से बंधे ही नहीं है ये, तो जो कर्म शरीर माने जो कारमान शरीर है ना, ये तो उसके साथ बंधे हैं।
यानी अपन धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं ये बताना चाहते हैं कि जो जो आश्रव भाव हैं जिनसे हम बंधते हैं उनकी वास्तविक पोजीशन क्या है जिससे तुम इतने घबरा रहे हो। आश्रव 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 क्या है, आश्रव भी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जितना कितना ही हो जब तक वे उदय में नहीं आए विफल नहीं दे सकते, इसलिए तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंधते वक्त कोई कर्म फल नहीं देता और उदय में आता है वो एक समय को आता है, तो एक समय उसका फल आता है और अगले समय वो फिर खत्म हो जाता है, उसमें फल नहीं देता। अब क्या डरना, सिर्फ आपको वो एक समय ही तो ही बचाना है ना। क्यों क्या ये आप कहते हैं साहब वो कर्जा है तो वो मांगने आएगा, वो मांगने आएगा, वो मांगने आएगा। देखो कि वो छुट्टी के दिन नहीं आ सकता, ऑफिस के टाइम के अलावा नहीं आ सकता, इतने टाइम तो तुम निश्चिंत हो ना। क्यों फिर वो साहब वहाँ से भेजेगा, अपनी ड्यूटी पूरी करने आएगा, बस वो दो मिनट तुमको बचाना है कि हाँ नहीं है, खत्म, बाप ही चला जाए। कहाँ है 24 घंटे तुम्हारा माथा खराब का है, और तुम बनी है तो इस बात में तो होशियार हो ना। क्यों कितने लोगों को टरकाते हो, अकेले वो ही नहीं और उधार मांगने वाले दान मांगने वाले सबको है ना, बस खत्म। कितने तो कहना है, कह दो नहीं है नहीं है नहीं है, बस खत्म। तो आखिरकार के तुम्हें एक दफा मना कर दो ना साफ तो झंझट खत्म हुए, कहे अपने आप परेशान हो गए बंद हो जाएगा। क्या कहना हम क्यों कहें, हम तो मीठे ही बोलते रहे ना, क्यों हम तो मीठे बोलने वाले हैं। हाँ हाँ सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ, सोचूंगा सोचूंगा चलूंगा चलूंगा, कहने अपने आप थक जाएगा, नहीं थकेगा तो काल बीत जाएगा, झगड़ा खत्म है ना। तो वो यही बता रहे कि तुम कर्म के साथ वो क्यों नहीं करते, क्यों घबरा रहे इतना, ये कर्म है ये कर्म है, इतने ढेर सारे हैं इतने ढेर सारे हैं इतने ढेर सारे, क्या ढेर सारे हैं, एक दफे अपना वहाँ का शिविर था प्रांतिज में, तो साहू शांति प्रसाद जी आए थे, तो उस वक्त उन पर कोई बहुत बड़ा केस चला था और जिसमें बहुत खतरा था, जेल जा सकते हैं, फांसी की सजा हो सकती है, क्या क्या मतलब ऐसा बड़ा कोई केस बन गया था। उद्योगपति लोग होते हैं चारों तरफ कहीं से तो बिल्कुल निश्चिंत ऐसे करे कुछ नहीं। तो ऐसे ही पूछी हम लोगों ने, वो क्या है, कुछ नहीं, ऐसे दिन रात चलते रहते हैं तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो एक विंग है जो यही काम देखती है, अच्छे अच्छे वकील कर रखे हैं, अब ऑफिसर नियुक्त कर रखे हैं, तो ऐसे जब केस आते हैं कि जिसमें फैसला होगा तो वो सजा होगी गारंटी से बच नहीं सकते हैं, तो तारीखें लेते जाते हैं, लेते जाते बढ़ाते जाते हैं, आने रहने देते हैं, कब तक, जब तक हम मरना जाए तब तक, और मर जाते हैं मरते हैं तो सब साफ केस खत्म। तो बच्चों को तो होते नहीं, बच्चों को सारा माल तो मिल जाता है बाप का और केस बच्चों पे नहीं होते, ऐसा बोले वो खुद भी इसमें शब्दों में आएंगे कर्म आएंगे उदय में आगे खिर जाएंगे चले जाएंगे, काय की फिक्र करते हो। बोलते हो पहले गाथा का टीका पढ़ रहा हूँ, पहले अज्ञान अवस्था में अज्ञान से बंधे हुए मिथ्यात्व अवरति कषाय और योग रूप द्रव्याश्रय भूत प्रत्यय हैं, वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से ज्ञानी के लिए पृथ्वी के ढेले के समान हैं। सारे कर्म बता दिए उनने, वे समस्त द्रव्य कर्म स्वभावता मात्र कारमान शरीर के साथ बंधे हुए हैं, तेरे साथ बंधे ही नहीं है काय को, जीव के साथ नहीं, इसलिए ज्ञानी के स्वभाव से ही द्रव्याश्रवों का अभाव सिद्ध है। द्रव्याश्रव तो तेरे को है ही नहीं है ना, और भावाश्रव का अभाव तेरे को एक मिनट की उपेक्षा करके करना है। एक इसमें कि इसके बाद कलश में ये सब बात बहुत साफ लिखी है, ज्ञानी के मिथ्यात्व तो है ही कहाँ, जिसे यहाँ पृथ्वी के ढेले के समान बताया जा रहा है,
औपसमिक सम्यक दृष्टि और छायाविशेष सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात है। माने पिछली गाथा में छायक सम्यक दृष्टि की बात थी और इस गाथा में उपसम सम्यक दृष्टि और छायाविशेष सम्यक दृष्टि की बात है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, किंतु औपसमिक सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता रहती है ना। पृथ्वी के ढेले के समान का क्या अर्थ है? जिस प्रकार पृथ्वी का ढेला आत्मा के अहित में निमित्त भी नहीं है, उसी प्रकार सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य मिथ्यात्व आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाने में निमित्त भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जहर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, देखो बड़ा बहुत मार्मिक है, जब तक उसे खाया नहीं जाएगा खतरा नहीं होगा। शीशी में रखा हुआ जहर थोड़ी खतरनाक है ना, क्योंकि मुट्ठी में रखा हुआ जहर मुट्ठी में अपना असर दिखाने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार द्रव्य कर्म जब तक उदय में न आए तब तक कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य कर्म तो पृथ्वी के पिंड के समान अकिंचित कर ही होता है, अकार्यकारी ही होता है। देखो अब इसके बाद कलश है, कलश में बहुत क्लियर कर दिया है, द्रव्याश्रव से भिन्न है, द्रव्याश्रव से तो भिन्न नहीं है, और भावाश्रव का नाश, और तुम भावाश्रव का नाश कर दो। द्रव्याश्रव से भिन्न है भावाश्रव का नाश, सदा ज्ञानमय निराश्रव ज्ञायक भाव प्रकाश। इसलिए ज्ञायक भाव सदा ज्ञानमय है, वाश्रव भाव से सहित है ही नहीं। संस्कृत में पढ़ो, भावाश्रवाभावमयम प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्या स्वत एव भिन्ना, ज्ञानी सदा ज्ञानमयी के भावो दरा सर्वोज्ञा यके एक एव। ये तो बहुत प्रसिद्ध छंद है, कालिदास का छंद है, एकदम फ्लो में आता, धड़ाधड़ बोलते जाओ। भावाश्रवाभावमयम प्रपन्नो, भावाश्रवों के भाव का अभाव करना है, और द्रव्याश्रवेभ्यास होत एव भिन्ना, द्रव्याश्रव से तो अपने आप ही भिन्न है, उसे जुड़ा ही हुआ नहीं है। इसलिए ज्ञानी के हमेशा एक ज्ञानमय भाव ही होता है, इसलिए ज्ञायक भाव सदा निराश्रव ही है। यानी ज्ञानी को आश्रव भाव है ही नहीं, ज्ञानी निराश्रव ही है। सरकारी ध्रुव में तो आश्रव भिन्न है ही, वो तो उससे तो भगवान आत्मा भिन्न है ही, लेकिन जो आश्रव भाव हैं उनसे ज्ञानी की परिणति भी भिन्न है, ये बात यहाँ पर बताई है। अब आगे चलाएंगे।